एक मिनट अभी समय लग रहा है। मिस्टर अरविंद बड़ोनिया जी का क्राइम फ्री भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं मिस्टर बड़ोनिया से अनुरोध करूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं दें। मैं अरविंद बड़ोनिया बेसिकली दमोह सागर का रहने वाला हूं और 70 में दिल्ली आ गए थे, जब से दिल्ली में ही सेटल हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में काम करके एज ए सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रिटायर हुआ था 2017 में और प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में एज ए कंसल्टेंट, प्राइसिंग कंसल्टेंट के पॉलिसी के लिए एज ए कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ और साथ ही समाज के काम में भी इन्वॉल्व हूँ। 2018 से रेगुलर यहाँ दिल्ली समाज जो है उसका अध्यक्ष हूँ। हम गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति भी देते हैं और मैरिज ब्यूरो का काम चला रहे हैं, काफी सोशल एक्टिविटी। पीछे कोविड के दिनों में कोविड हेल्प डेस्क भी हम लोगों ने चलाई थी जो कि काफी सफलता से हमने लोगों की मदद की थी उसमें। ओके, आप जो फार्मेसी प्राइसिंग पॉलिसी है एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, जरा इस विधा को और जरा खोल के बताइए। ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में प्राइस जो मेडिसिन ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेज हैं इनके प्राइस कंट्रोल किए जाते हैं। तो जो NLEM में मेडिसिन होती हैं तो उनके प्राइसेस एक अथॉरिटी है NPPA, वो इनके प्राइसेस फिक्स करती है। और जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स होते हैं जैसे कि पेटेंटेड ड्रग्स हैं, पेटेंटेड और उसके बाद में हाफ पेटेंटेड ड्रग्स हो जाती है, उनको मॉनिटर करते हैं। तो मैं इनका पॉलिसी का काम कर रहा हूँ। जो एक DPCO है, ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 उसका, और एक NPPP 2012 है जो पॉलिसी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी अथॉरिटी पॉलिसी, उसको देख रहे हैं। उनमें जो अमेंडमेंट, पॉलिसी में अमेंडमेंट करना है, ऑर्डर में अमेंडमेंट करना है, तो उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेंसी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में होता है वो, नीति आयोग के साथ में कंसल्टेंट होता है, वो सारा काम देख रहे हैं। जो ब्रांडेड मेडिसिन है उन्हीं कंपनियों के द्वारा जेनरिक मेडिसिन भी जारी की जाती है और वो जो है एक 1/10 प्राइस में होती है, तो ये 9/10 प्राइस जो है ना कौन खा रहा है बीच में? ऐसा है, जो पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी 2012 में रिवाइज हुई थी उसमें पहले था ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसेस फिक्स किए जाते थे, तो 2012 में उस पॉलिसी को चेंज करके मार्केट बेस्ड प्राइस कर दिया गया। तो कंपनी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लूट करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है। चलिए चलिए, हम अपनी सरकार से ऐसी ही अच्छी पॉलिसीज की अपेक्षा करते हैं। बड़ोनिया जी, आप इस तरीके की गंदी पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। ऐसा 2012 में बनी थी और हम लोगों में कई बार डेलिब्रेशन हुआ है कि इससे प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और इट शुड बी कॉस्ट बेस्ड। तो लेकिन मेरा और कुछ कहना है कि यदि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का जो फर्क है वो विलुप्त होना चाहिए। ये जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनके बीच में फर्क किस चीज का है? एडवर्टाइजमेंट का है, घूस का पैसा बांटने का है, किस चीज का फर्क है? क्यों दसगुनी प्राइसेस कैसे हो रही है और ये लूट मचाने की स्वतंत्रता जो है ना देश का जो है ना सरकार कैसे दे रही है? इनफैक्ट मतलब जो है ना देश की सरकार को सब दुष्टता करने का हक है कि जो है जहां पे आपको एंटी, देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी एक लॉबी बन गई है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ना डिक्टेट कर रही है चीजें। अभी मैंने कोरोना के बारे में, आपने कहा बहुत आपने सोशल सर्विस की है, कोरोना के बारे में मुझे मालूम, मेरा मानना है कि एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। फिर आप जो है जन सामान्य का जो कोरोना से कौन लड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी लड़ रही है, राइट? तो आप इम्यूनिटी को भी लड़ने नहीं दे रहे हैं और जिस चीज का आपका इलाज नहीं है उसमें आप लाखों का बिल बना पा रहे हो।
आपकी इम्यूनिटी, जस्ट ए मिनट, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी कैसे लड़ती है बरोनिया जी? तो बॉडी ही उसको रेजिस्ट करती है। नहीं नहीं, पावर आपकी, है, आपकी आपकी इम्यूनिटी जो है उसके लड़ने के कुछ तरीके होते हैं, वो बॉडी की मैकेनिज्म होती है, और टेम्परेचर इज वन ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच इम्यूनिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कि बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ाती है जिससे बॉडी बढ़े हुए टेम्परेचर से बैक्टीरिया को मार सके, बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर सके, बैक्टीरिया का प्रभाव कम कर सके। तो बुखार आना अच्छी बात है या बुरी बात है बरोनिया जी? क्या कहना है आपका? नहीं, बुखार आना अच्छी चीज है या बुरी चीज है, बताइए आप मुझे। सॉरी, फिर से बोलिएगा। जो आपको बुखार आता है ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये मेरा क्वेश्चन। अच्छी चीज है। तो फिर आपके जो है ना कोरोना के इलाज में जो है 99 पे बुखार होते ही जो है ना आपको पैरासिटामोल क्यों दे रहे हैं? इन्फेक्टेड नहीं देनी चाहिए। तो हम आपके जवाब को थोड़ा संशोधित कर देते हैं। आपका जवाब पूरी तरह से सही नहीं, आपका जवाब आधा सही है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ना अच्छी बात है, और उसके ऊपर यदि टेम्परेचर जाता है तो आपके ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है, लिहाजा बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, राइट? इसका मतलब यह है कि हमें 102, 103 तक बुखार को बढ़ने देना चाहिए, और उसके ऊपर जाने लगे तब हम पैरासिटामोल वगैरह देके उसे कंट्रोल करें, ठीक है? तो फिर मेरा पहला क्वेश्चन है कि कोरोना के प्रोटोकॉल में आप पैरासिटामोल क्यों दे रहे हो, वो भी जल्दी 99 में। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप चूंकि फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कैसे बनती है, क्या बनती है, वो सब थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आपको ये जानकारी होगी कि एंटीबायोटिक किसी वायरस को नहीं मार सकता है। आपको ये जानकारी है क्या? नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार सकता है, वायरस को नहीं मार सकता है। वायरस जो है एक बार इनक्यूबेट हो जाता है तो वो अपनी लाइफ तक जीता है, जिसको आप अभी कोरोना में क्वारंटाइन कहते हैं, इट इज ए लाइफ ऑफ दैट वायरस, राइट? ठीक है। तो जब आपके पास, क्या आपने किसी बॉडी में चीरफाड़ की है, क्या कोई बड़ा ऑपरेशन किया है कोरोना के मरीज पे, आपने कोई बड़ा ऑपरेशन किया है क्या? नहीं किया है। तो किस बैक्टीरिया से खतरा हो रहा है आपको? आप ये 3-4 तरीके खतरनाक जो है ना एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, वो भी हैवी डोज में, जिसमें से एक जो है ना एंटीबायोटिक से सुसाइडल टेंडेंसी होती है। बरोनिया जी जरा रिसर्च करिए, कितने लोग जो है अस्पताल से कूद के मर गए हैं कोरोना के दौरान, आपको मालूम है क्या? बहुत लोग मरे हैं, हमारे जानने वाले भी उसमें मरे। तो भाई साहब, इतने खतरनाक जो है ना एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो जिससे सुसाइडल टेंडेंसी होती हो, जब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो किस भय से आप हमको एंटीबायोटिक दे रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, आपको मालूम है कि उसमें एक एंटीबायोटिक ऐसा है जो कि डिप्रेशन करता है। लोग बाग 6-6 से 8-8 महीने पहले कोरोना से बाहर आ गए हैं, अभी भी वो डिप्रेशन के मरीज हैं। तो आप 3-4 खतरनाक तरीके के बहुत ही ओवरडोज में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक आप क्यों दे रहे हैं? धन कमाने के लिए? ये तो आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यानी अच्छा, कई बार अब जो है जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एक जनरल एक्सपीरियंस है कि वो हमारे शरीर के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनकी कॉलोनी को मार देते हैं। तो आपने अमूनन देखा होगा कि आपको एक साथ में एक वो देते हैं विटामिन की, वो देते हैं विटामिन बी देते हैं बी कॉम्प्लेक्स या कुछ ना कुछ देते हैं, है ना, बी कसूल देते थे, ठीक है ना? वो क्यों देते हैं? क्योंकि जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए, राइट? तो आप जो है एंटीबायोटिक इतनी भर भर के डोजेज में क्यों दे रहे हैं जबकि कोरोना वायरस उससे नहीं मर रहा है? आपने क्या किसी कोरोना मरीज के अंदर कोई ऑपरेशन किया है क्या? किस बैक्टीरिया का आपको भय है? और उस जब वो बैक्टीरिया का इफेक्ट परिलक्षित हो जाए तो आप इविडेंस बेस्ड एंटीबायोटिक दीजिए ना। आप प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? आपने कोई शरीर में ऑपरेशन नहीं किया है ना? हाँ या नहीं बोलिए आप। नहीं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात,
स्टेरॉइड देते हैं, ये स्टेरॉइड जानते हैं आप क्या? स्टेरॉइड का मालूम है लेकिन स्टेरॉइड क्या करता है? स्टेरॉइड क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। स्टेरॉइड के दो काम होते हैं, जैसे ही आप स्टेरॉइड लेते हैं वो एक फॉल्स वॉल्स वेल बीइंग क्रिएट करता है, और यदि आपका ऑक्सीजन लेवल जो कि कोरोना में नीचे आ जाता है उसको एकदम पुश करता है। तो यदि आप 90 पे सैचुरेशन ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल पे पहुंचे हैं तो वो जैसे ही आप स्टेरॉइड दिया जाएगा आपका 94 पहुंच जाएगा, और आप कहेंगे ये डॉक्टर नहीं है ये तो देवता है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको मालूम है स्टेरॉइड का सही काम और ओरिजिनल काम क्या है? नहीं। और उसका काम है आपकी इम्यूनिटी को सुला देना। तो आपने कोरोना जो कि 1000% पे बढ़ रहा है, जिसका आपके पास कोई इलाज नहीं है, उससे केवल मेरी इम्यूनिटी ही लड़ सकती है, आपने स्टेरॉइड देके हमारी इम्यूनिटी को क्यों सुला दिया? अब कौन लड़ेगा इस वायरस से? आपने उसको क्या नेशनल हाईवे दे दिया है कि जहां जाना हो वहां जाइए और जो मारकाट करना है वो मारकाट करिए, लंग्स में घुस जाइए, ब्लड में घुस जाइए? क्या सोच है, क्या नियत है आपकी? क्या सोच है बताइए। जिस चीज का आपके पास इलाज नहीं है उसमें लक्षण कैसे पैदा हो रहा है? ना आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके जो डॉक्टर शुरू शुरू में आपने देखा होगा आपके जो रिश्तेदार भर्ती रहे होंगे कि वो जो ना किसी उससे नर्स वर्स के माध्यम से दूर से कुछ जो है ना दवाइयां दे देते थे, वो दवाइयां इतनी बड़ी हो गई, क्या दिया उस दवाइयों में जब जिसका आपके पास इलाज ही नहीं है, जो कि बिल आपके लक्षणों के बन गए? और फिर आपने हमारी इम्यूनिटी को सुला दिया तो वो उन्होंने जाके सभी रिसेप्टर पे बैठ गए, राइट? और फिर इन दुष्ट डॉक्टर ने कहा कि साहब जो ये आपका लंग जो है ना खराब हो गया। फिर उन्होंने हम जैसे लोगों की वीडियो देखी जिसमें कहा गया कि कोई लंग वंग खराब नहीं होता है, कोरोना वायरस जाके उसके जो स्पाइक के साथ जो है ना वो इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके रिसेप्टर पे, और जो रिसेप्टर होता है लंग्स का उसका काम ऑक्सीजन को लेना होता है। तो चूंकि उस पर कोरोना वायरस बैठ गया तो उस रिसेप्टर की ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो बाधित हो जाती है, राइट? फिर जो है आपने क्यों कहा लंग खराब हो गया? लंग तो खराब नहीं हुआ, और ये आप जिम्मेवार है क्योंकि आपने कोरोना को जो है ना कंट्रोल था नहीं, इम्यूनिटी को सुला दिया। तो एक क्वेश्चन हम कई बार पूछते हैं कि कोरोना की मौतों के लिए जिम्मेवार कौन? WHO, ICMR, फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर, मेरे ख्याल से चारों। हमने इसका बहुत सारा इलाज विलाज जो है ना हमने रिसर्च की जिसमें पाया कि नींबू का रस जो है ना कोरोना वायरस के ना केवल आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ देता है बल्कि उसके RNA को भी तोड़ देता है, और ये काम वो बिना इम्यूनिटी के करता है। तो भैया आपने हमारी इम्यूनिटी सुला दी, कोई बात नहीं, साथ में दो दो ड्रॉप नींबू की भी डाल दीजिए, तुम हमें पैरासिटामोल भर भर के दो, तुम मुझे एंटीबायोटिक भर भर के दो, तुम मुझे स्टेरॉइड देके जो है ना मेरी इम्यूनिटी को सुला दो। लेकिन हमें तो उस इम्यूनिटी की जरूरत ही नहीं है, नींबू रस की दो दो बूंद दोनों नाकों में डाल लीजिए, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बैक्टीरिया को मार देगा, जो वायरस को, कोरोना वायरस को, राइट? अब रही बात कि जो हम और आपकी किसी की अज्ञानता के कारण लंग्स में घुस गया है तो पानी में जो ना दो नींबू निचोड़ो, पानी उसकी भाप लो, भाप में के साथ में जो है लेमन के ट्रेसेस भी चले जाएंगे, और लेमन के ट्रेसेस ही जो है ना पर्याप्त हैं जो रिसेप्टर पर बैठे कोरोना वायरस को मारने के। यही कारण है कि बड़ी बड़ी भयानक स्थितियों में लोग बाग जो है कोरोना से पीड़ित थे, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत खतरनाक ढंग पे 50-60 पे पहुंच गया था, हमारी लेमन रस 10 की थेरेपी ने उन्हें उस परिस्थिति से बिना जो है ना अस्पताल में एडमिट हुए, बिना जो है ना ऑक्सीजन लगे, उनको जो है ना 24 घंटे में और 48 घंटे में 90, 94, 99 तक जो है ना उनका ऑक्सीजन ले गए, राइट? देन जो है नींबू के रस में एक और अच्छी बात है कि जैसे ही वो एबिग्लाइटिस को टच करता है, यदि कोरोना के इन्फेक्शन ने आपके लंग्स में पानी, कचरा, फिब्रोसिस पैदा कर दिया है तो वो वॉमिटिंग प्रोवोक करता है और आपके कोरोना लोड को 70-80% बाहर कर देता है। फिर आप जो है दिन में दो बार जो है ये थेरापी ले रहे हैं, तो जैसे ही कोरोना थोड़ा सा बाहर झांकेगा उसे हम मार देंगे।
छह दिन में हमने एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री को कि छह दिन में हम जो है देश को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। अभी फिर से तीसरे लॉकडाउन की बातें चालू हो गई हैं। हम जो है जो वैक्सीन इजाद की है वो 1200 रुपए की आती है, राइट, और 137 करोड़ लोगों में लगने के लिए इसका फाइनेंशियल बर्डन होगा 17 लाख करोड़। और ऐसा कहा जा रहा है कि हर 6 महीने में आपको वो कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाना पड़ेगी। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में भारत सरकार को 17 लाख करोड़ सिर्फ कोरोना के भेंट चढ़ाना होगा। तो यदि नींबू का रस कोरोना वायरस को मार दे रहा है, और इसकी रिसर्च जो है ना पार्टली मैंने कर ली है, और ये रिसर्च एक दिन में हो सकती है। आरटीपीसीआर के टेस्ट हमने इस बारे में डॉक्टर पंड्या से बात की, हमने इस बारे में जो है मिस्टर जयदीप भटनागर से बात की जो कि पीआईबी के चीफ है, उन्होंने एक वीडियो निकाला था, वो निरुत्तर हो गए हैं। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनिए उस बात को, वो अवेलेबल है क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर जयदीप भटनागर के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब उसमें एक आदमी मर गया था, हमने कहा वो भी झूठा, एक टीचर जिसके बारे में रॉन्ग रिपोर्टिंग कराई गई कि उसने नींबू का रस अपने नाक में डाला और वो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाया, रास्ते में मर गया। हमारी टीम जो है ना ने कॉन्टेक्ट किया, वो कर्नाटक के एक रिमोट जिले का रहने वाला था, उसकी वाइफ ने और उसके भाई ने ये बयान दिया है, ये बताया है कि उसके भाई को कोरोना नहीं था, वो लो ब्लड प्रेशर का मरीज था और उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। तो जो एक मरीज भी आपके पास फर्जी है वो भी असली नहीं है, जबकि इन डॉक्टर्स ने तो जो है ना 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को पर डे में मार दिया है। इन लोगों ने रोज जो है ना अपनी दवाइयां बदली हैं, पैरासिटामोल का कोई काम नहीं है, आपने कोई बड़ा ऑपरेशन किया नहीं है, आप इविडेंस बेस्ड जो है ना एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं, और आप भर भर के स्टेरॉइड दे रहे हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी सो जा रही है, और इतनी ज्यादा सो जा रही है कि जो इंजेक्ट जो आपने ऑक्सीजन का पाइप लगाया है उस पाइप के सहारे जो है ना ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पहुंच के जो है ना आपकी आंखों को सुझा दे रहा है और आपको मार दे रहा है। ये जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को आप जानते हैं क्या है ये? हाँ, मालूम मालूम है। कभी आपने ब्रेड खाई है उसमें कई बार आपको व्हाइट और ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, ये वही जो है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस है। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने जो है ना कुछ पीसेस खा लिए और बाद में महसूस हुआ कि उस ब्रेड में तो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस लगी हुई थी, ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ है। नहीं नहीं, देख के खाते हैं जरा नहीं, नहीं, कहीं लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हम धोखे से ऐसी ब्रेड खा गए जो कि जिसमें फंगस लगा हुआ था, लेकिन उस फंगस ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जागी हुई थी। तो ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस आपको जो है ना इसलिए मार दे रहा है क्योंकि इन दुष्ट डॉक्टरों ने आपकी इम्यूनिटी को स्टेरॉइड देकर सुला दिया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की दुष्टता है, ये इस सरकार की भी दुष्टता है कि इतनी बड़ी बात हम कह रहे हैं, इसको एक दिन में रिसर्च हो सकती है। क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च हम लोगों ने बहुत सारी ऑलरेडी की हुई है। आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा, आरटीपीसीआर में जो पॉजिटिव है उनमें एक ड्रॉप जो है ना आप लेमन रस की डाल दीजिए, उसका आरएनए के परखच्चे उड़ जाएंगे। कंट्री की जितनी भी आरटीपीसीआर लैब्स हैं वो जो है आईसीएमआर से जुड़ी हुई है। हमने डॉक्टर पंड्या जो कि जो है ना कोरोना के चीफ हैं उनसे मैंने बात की, वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि सर आप तो जो है ना एसीएस हेल्थ से बात करिए क्योंकि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। अरे भाई साहब, यदि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो रोज आप फतवा जो है ना प्रोटोकॉल के नाम पे फतवा क्यों जारी कर रहे हैं? आपने तो राज्य सरकारों को डरा के रखा है, आपने तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत किसको जेल भेजोगे कोई भरोसा नहीं है, और आप आईसीएमआर एक अनऑफिशियल बॉडी है, आप भागवेदाता बन गए हैं। जिस चीज का इलाज नहीं है उसको लखों का बिल कैसे बन रहा है, इसका कोई जवाब देगा? क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं मिस्टर बरोनिया से अपेक्षा करता हूं कि एक अनुमान के आधार पर जवाब देने की कोशिश करें। है आपके पास कोई जवाब? चलिए इस बात को जो है यहीं पे विराम देते हैं, और कोरोना की तीसरी लहर चपोट में आ रही है, वैक्सीन की जो है ना एफिकेसी भी डाउटफुल होती जाएगी। वो कहेंगे कई ए वेरिएंट काम नहीं करता, वो वेरिएंट काम नहीं करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जिनको मैंने चार पत्र लिखे हैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसकी रिसर्च एक दिन में संभव है, भारत यदि चाहे तो
इस रिसर्च के आधार पर विश्व गुरु भी बन सकता है। और जो है हम जो है भारत को और विश्व को इस कोरोना वायरस नामक जो है ना महामारी से बिना किसी कष्ट के बाहर निकाल सकते हैं। 6 दिन में हम पूरे देश में ना ह्यूमन बॉडी में कोई कोरोना वायरस रहेगा, ना एनवायरमेंट में कोई कोरोना वायरस रहेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी साधारण बात जो है ना लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जिस रिसर्च को 1 दिन में पूरा किया जा सकता है, उस रिसर्च को करने में झिझक क्या है? क्या ये सब लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी के दबाव में हैं? फिर हम कैसे देश हैं जो हम दबाव में ही ऑपरेट करते हैं? हमें देश की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार पुनः जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने पत्र आपको लिखे हैं उन पर विचार करें। बहुत साधारण सी रिसर्च है, 1 दिन में पूरी की जा सकती है। इससे देश का कल्याण होगा, बहुत बड़ा जो है लोग जो गरीब लोग हैं उनको रोजगारी रोजगार से वंचित नहीं होंगे, वो हमारी इंडस्ट्री अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर पाएंगी और हम ये लॉकडाउन की विभीषिका से बाहर आ पाएंगे और हम एक अच्छे हेल्दी वेल्दी भारत को स्थापित कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे चरित्र और ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों को इस रिसर्च को करने में कोई दिक्कत है। आप तो हर बच्चे को फोन लगाते हैं, मैं आपको अपना फोन नंबर बताता हूं, 9425606040। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप मुझे फोन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।